तो देखो इस वीडियो में तुमको सारा कुछ डिटेल्स मिलने वाला है सी सेप रिगार्डिंग एंड डिफरेंस क्या होता है सी सेप एंड जोसा में। तो देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जिनको कुछ ना कुछ बातें पता है सी सेप रिगार्डिंग, तो लेकिन फिर भी कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वजह से वो क्या करते हैं गलती कर बैठते। तो देखो अगर फिर भी तुमको कुछ ना कुछ पता है तो इस वीडियो को जाए एंड तक देखना, मैं काफ़ी सारा पॉइंट डिस्कशन करूँगा ओके, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तुमको कॉलेज सेलेक्ट करने में। एंड हाँ, ये जैसे तुम टाइटल देख सकते हो कि मैंने बताया है कि इस मतलब सी सेप को अगर अटेंड करते हो तो तुम्हें जो एनआईटी से वही मिल सकता है, और 98,000, 70,000, 80,000 पर भी तुम्हारे लिए एनआईटी भी है। अब देखो मैं ऑब्वियसली मतलब अच्छा एनआईटी तो नहीं बोलूँगा कि हाँ तुम्हें जैसे कोई अच्छा एनआईटी मिल गया, लेकिन फिर भी एनआईटी के टैग तुम्हें जरूर मिल जाएगा एंड उतने ख़राब भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको टॉप 5 एनआईटीज मिलेगा, ऑब्वियसली जो टॉप 10 के जो एनआईटीज है उसमें मिलने का तुम्हारा चांसेस है। तो एकदम से ऐसा नहीं कि तुमको नॉर्थ ईस्ट वाले एनआईटी में तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा खासा तुम्हारे पास ऑप्शंस भी है और तुम्हारा रैंक 70,000 या 90,000 है तो, एंड अगर तुम सी से बैटिंग करते हो तो जैसे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि देखो जोसा काउंसलिंग होने के बाद मतलब 6 से 7 राउंड काफ़ी राउंड होता है। देखो मतलब कोई भी ऐसा शायद एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 6 से 7 काउंसलिंग करवाया जाता है, तो सिर्फ जोसा ही ऐसा है कि काउंसलिंग है जिसमें 6 से 7 राउंड होता है। तो देखो 6 से 7 राउंड होने के बावजूद भी मतलब काफ़ी सारे वैकेंट सीट बच जाते हैं, काफ़ी सारे वैकेंट सीट्स बच जाते हैं। कहाँ पर बचते हैं? एनआईटीज हो गया, ठीक है, ट्रिपल आईटीज हो गया एंड जीएफटीआईज हो गया, तो इस सब में काफ़ी सारे तुम्हारे वैकेंट सीट बच जाते हैं। एंड देखो सीएससी भी रहता है, ईसी भी रहता है, ऐसा नहीं कि बस मतलब जो लोअर के ब्रांचेस है बस उसमें वैकेंट रहते हैं, सीएससी में भी आपको वैकेंट देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, अब जोसा मतलब ये बोलता है कि नहीं अब हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, 6 से 7 राउंड काफ़ी हो गया, अब जो वैकेंट सीट है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो अब चला जाता है सीसेप के पास। तो सीसेप क्या करता है, सीसेप अपना काउंसलिंग करवाता है इन सब वैकेंट सीट को फिलअप करने के लिए जो ये एनआईटीज ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज में वैकेंट रह गए। तो देखो यहाँ पर बस एक ही राउंड होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर 2-3 राउंड होता है, यहाँ पर बस एक ही राउंड ही होता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है मेंशन करना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर ना अगर तुम्हारी कोई कैटेगरी रैंक है, जैसे मान लो तुम्हारा ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी रैंक है, तो तुम जोसा काउंसलिंग में वो तुम्हारा मतलब वैलिड है, वो काम में आएगा। लेकिन सीसेप में ना तुम्हारा सिर्फ सीआरएल रैंक ही काम में आएगा, क्या उन्हें बताया, तुम्हारा सिर्फ सीआरएल रैंक ही काम में आएगा और यहाँ पर तुम्हारा कैटेगरी रैंक काम आएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी रैंक तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम्हारा जो भी कैटेगरी क्यों ना हो तुमको एज ए जनरल स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा ओके इन सीसेप राउंड। अब एक और सवाल आता है कि सपोज़ हम जोसा में कोई सीट मुझे मिला है, सपोज़ 6 से 7 राउंड काउंसलिंग अटेंड करने के बाद तुम्हें कोई ना कोई एक कॉलेज में सीट मिल चुका है, ठीक है, से एक्स, अब तुम क्या चाहते हो कि मुझे इस कॉलेज से भी मुझे बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर मैं सीसेप का राउंड अटेंड करूँ तो। तो देखो अगर तुम सीसेप का राउंड तो अगर तुम अटेंड करते हो ना तो ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये सीट कैंसिल ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाएगा तुम सीसेप में अटेंड करते हो तो, हाँ तुमको लेकिन जब जोसा काउंसलिंग जब ओवर हो जाएगा मतलब तुम जिस कॉलेज में एडमिशन करवा लियो तो वहाँ पर जाकर तुमको बताना पड़ेगा कि मैं सीसेप का काउंसलिंग अटेंड करूँगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर पर्टिकुलर तो फॉर्म होता है तो फॉर्म में मतलब वो टिक मार्क कर देंगे कि हाँ आप मतलब जोसा काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं जोसा काउंसलिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड उसको रिजर्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर रिजर्वेशन अमाउंट होता है, वो तो रिजर्वेशन अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा, अगर ये अमाउंट पे नहीं करते हो तो सीट आपका रिजर्व नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो पहले क्या होता था ना, पहले वो जो अमाउंट था वो रिफंड होने में काफ़ी मतलब टाइम लगता था, जैसे 7-8 महीने लग जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी होता क्या है, ये जो आप यहाँ पर अमाउंट पे किए हो, ये अगर मान लो आपको सीसेप में कोई अच्छा कॉलेज मिलता है एंड उसमें आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, सीसेप में ट्रांसफ़र आपको हो जाता है। तो यही डिफरेंस है मेनली कि जोसा क्या होता है एंड सीसेप क्या होता है। बस आप यही याद रखो कि वैकेंट सीट को फिलअप करने के लिए एक स्पॉट राउंड होता है एंड वो स्पॉट राउंड को हम सीसेप राउंड बोलते हैं। एंड सीसेप राउंड क्या करता है, जो एनआईटीज हो गया, ट्रिपल आईटीज हो गया, जीएफटीआईज हो गया, उनका वैकेंट सीट फिलअप करने के लिए ही ये राउंड करवाया जाता है। एंड देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती क्या कर बैठते हैं कि मतलब वो सीसेप राउंड अटेंड नहीं करते हैं, जैसे लास्ट पहले ये इतना अटेंड नहीं करते स्टूडेंट्स, लेकिन लास्ट 2 से 3 ईयर्स से इसका मतलब अटेंडेंस ज़्यादा हो रहा है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस राउंड में। तो अगर तुम्हारा रैंक पुअर है, जैसे 70,000 है, 80,000 है, तो बिल्कुल मतलब डीमोटिवेट मत हो जाना कि मेरे लिए कोई अच्छा एनआईटी मिल नहीं सकता। तो अच्छे एनआईटीज भी है जो कि तुम्हें सीसे मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस लोअर की एनआईटी ही तुम्हारे लिए ऑप्शन, ऐसा नहीं है, तुमको अच्छे भी एनआईटी मिल सकते हैं, बस तुमको वेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, अब मिल भी सकते नहीं मिल सकते, कोई गारंटी नहीं मिलने का, लेकिन हाँ एक
चांस रहता है, एक अपॉर्चुनिटी रहता है अनर्चुनिटी मिलने का। जैसे लास्ट ईयर क्या होता है, लास्ट ईयर जैसे मैं स्टूडेंट्स को जानता था तो उसका रैंक जैसे 85,000 था, ठीक है, तो उसको मतलब वो सीसे में पार्टिसिपेट किया था तो उसको मतलब एनआईटी मिल गया था, तो मतलब लोअर एनआईटी ही मिला था, उतना भी अच्छा एनआईटी नहीं मिला था लेकिन फिर भी उसको ब्रांच अच्छा मिल गया था। तो देखो दो बातें याद रखना, अगर तुम लोअर एनआईटी सेलेक्ट कर रहे हो ना, अगर तुम लोअर एनआईटी सेलेक्ट कर रहे हो तो नोट कि तुमको ब्रांच कौन सा मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि लोअर एनआईटी में भी तुम कोई लोअर ब्रांच लेकर पढ़ाई करने लगे, ऐसा नहीं, कोई एटलीस्ट दो पॉइंट मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे एक और पॉइंट की सपोज तुम कोई हायर एनआईटी ले रहे हो, मतलब कोई अच्छे एनआईटी ले रहे हो, तो वहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि तुम कौन सा ब्रांच ले रहे हो, तुम सीएससी लो या ईसी लो, बस डिपेंड करता है कि तुम कौन सी एनआईटी वो हायर होना चाहिए, मतलब वो टॉप 5 या टॉप 10 के अंडर आना चाहिए। लेकिन अगर तुम टॉप 5 एंड टॉप 10 के अंडर में नहीं आ रहे हो तो तुम कोशिश करो कि जो टॉप के जो ब्रांचेस है उसमें एटलीस्ट तुम्हारा एडमिशन लग जाए। तो ये बस दो पॉइंट याद रखना, ऐसा नहीं कि मतलब लोअर एनआईटीज में मैं एडमिशन लूंगा ही नहीं, एटलीस्ट तुम ब्रांच जैसे हो गया सीएससी हो गया ईसी हो गया, वैसे तुम कोई कोई पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है तब उसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो, बस ये बात याद रखना। तो अगर सीसी आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पर ही मिल जाएगा। वैसे काउंसलिंग रिलेटेड और भी वीडियोज आते रहेगा इस चैनल पर, जैसे काफ़ी सारे एनआईटीज का रिव्यू करने वाले अपकमिंग डेज में, ठीक है, जिनको लो रैंक पर भी तुमको मिल सकता है। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बनाया था कि कौन कौन सा एनआईटीज है एंड जो कट ऑफ कितना जाता है जिसको तुम ले सकते हो एट ए लो रैंक, जैसे 70,000 हो गया 80,000 हो गया, वो भी तुमको एनआईटी मिल सकता है। देखो टॉप के जो एनआईटीज है ना वो 70,000 एंड 80,000 तक ही मिल सकता है, लेकिन लो ब्रांचेस मिलेंगे, बस डिफरेंस ये। तो तुमको डिसाइड करना है, जो डिसीजन है वो थोड़ा सोच समझ लेना है कि मुझे करना क्या एक्चुअली, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमको कुछ पता नहीं तुम गलत डिसीजन ले चुके हो। तो तुमको ये बातें समझ में आ रहा है आई थिंक, तो फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। वैसे भी हम लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी वीडियोज़ लाने वाले हैं, ठीक है।